धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस सिटी के इकलौता सरकारी अस्पताल में अंधेरा पसरा रहा है, क्योंकि अस्पताल की ओपीडी का जनरेटर खराब पड़ा हुआ है। ऐसे में जहां अस्पताल की विभिन्न ओपीडी में अंधेरा पसरा हुआ है, वही कुछ ओपीडी में डॉक्टर मोबाइल की लाइट से मरीजों का चेकअप करते नजर आए। धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, लेकिन इस सिटी के इकलौता सरकारी अस्पताल में कल अंधेरा पसरा रहा, क्योंकि अस्पताल की ओपीडी का जनरेटर खराब पड़ा हुआ है। ऐसे में जहां अस्पताल की विभिन्न ओपीडी में अंधेरा पसरा हुआ था, वहीं कुछ ओपीडी में डॉक्टर्स मोबाइल की लाइट से मरीजों का चेकअप करते नजर आए। लाइट न होने के चलते अस्पताल में उपचार हेतु आए मरीजों के न तो टेस्ट हो पाए और न ही एक्सरे की सुविधा उपलब्ध हुई। चाइल्ड ओपीडी में डॉक्टर मोबाइल की लाइट से बच्चों का चेकअप करते हुए देखे गए। वहीं डेंटल ओपीडी में बिना लाइट के मरीजों की जांच पर उपचार में दिक्कतें पेश आई। हालांकि विद्युत बोर्ड ने पहले ही सार्वजनिक तौर पर शहर में 22 जनवरी को बिजली न होने के बारे में सूचित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा को देखते हुए जनरेटर को ठीक करवाने की जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से कल अस्पताल में आए मरीजों सहित डॉक्टर्स को भी खासी दिक्कतें बिना बिजली के झेलनी पड़ी। गौरतलब है कि इससे पहले 15 जनवरी को भी शहर में बिजली बंद थी। उस दौरान भी डॉक्टरों और मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। उस दौरान अस्पताल प्रशासन ने अति शीघ्र ओपीडी के जनरेटर को ठीक करवाने की बात कही थी, लेकिन अब पुणे लाइट कट होने के चलते मरीजों और डॉक्टर्स को परेशानी झेलनी पड़ी। जोनल अस्पताल धर्मशाला की SMO डॉक्टर अंजुपुरी ने कहा कि अस्पताल में 3 जनरेटर हैं, जिनमें से OT और इंडोर के 2 जनरेटर काम कर रहे हैं, जबकि OPD का जनरेटर खराब है, जिसके पार्ट्स मंगवाए गए हैं जो शाम तक पहुंच जाएंगे, तथा कल का तीसरा जनरेटर भी ठीक हो जाएगा। हमारे पास यहाँ 3 जनरेटर हैं, 2 बिल्कुल चल रहे हैं, जो इंडोर का है और ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक रेडियोलॉजी का है, वो चल रहे हैं। ये जो OPD वाला है, इसमें एक पार्ट में खराबी आई है, वो आज शाम को पार्ट्स पहुंच जाएंगे और वो कल तक होपफुली वो ठीक हो जाएंगे।